नमस्कार दोस्तों, इसी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो 2 मई करंट अफेयर लेके विषय हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है 2 मई करंट अफेयर से, इग्नू ने किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर GST पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया? BSE, NSE, OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज? तो वो किया है फ्रेंड ए, यानी कि BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इग्नू के साथ मिलकर GST पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया। चलिए क्वेश्चन टू देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कंपेन को लॉन्च किया है? तो किसने किया? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश? तो ये किया फ्रेंड नेपाल ने। ठीक है, नेपाल ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कंपेन को लॉन्च किया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन थ्री। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने वार्षिक इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर का पुरस्कार जीता? किसने जीता है? ज्योति रंधावा, गगनजीत बुल्लर, शिव कपूर या ज्योति रंधावा? फ्रेंड दो ऑप्शन एक जगह आ गए हैं, तो इसे एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव कर लीजिए। रिपीट हो गए दोनों क्वेश्चन। चलिए इसका जो सही आंसर है बी, गगनजीत भुल्लर ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर का अवार्ड जीता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फिलीपींस की कंपनी स्प्लैश का अधिग्रहण किया है? खरीद लिया है फ्रेंड स्प्लैश को, जो फिलीपींस कंपनी थी, किस भारतीय कंपनी ने? तो विप्रो, लावा, माइक्रोमैक्स या महिंद्रा लिमिटेड? तो किसने खरीदा है? तो इसका जो सही आंसर है विप्रो ने अधिग्रहण कर लिया है फिलीपींस की कंपनी स्प्लैश का। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। जापान के नए सम्राट कौन बन गए हैं? चारुतो, नारुतो, नेकुसी या ईको? कौन बने हैं जापान के नए सम्राट अभी? तो इसका जो सही आंसर है नारुतो, जापान के अभी नए सम्राट बन चुके हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 नामक नौसैनिक अभ्यास गोवा के तट पर आरंभ हुआ? फ्रांस के साथ, जापान के साथ, कतर के साथ, ईरान के साथ? तो वरुण मैंने बताया था, एक आपको वीडियो भी अपलोड की थी जो एक्सरसाइज थी किन देशों के बीच होती है। तो वरुण जो होती है फ्रेंड वो भारत और फ्रांस के बीच हमेशा होती है, याद रखिएगा वरुण। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं, कौन है भारतीय निशानेबाज हुआ? पूर्वी चंदेला, अंजुम मुदगल, मनु भेकर या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, कौन बन गई है इन तीनों में से, या इनमें से है ही नहीं है? इसका जो सही आंसर है पूर्वी चंदेला, भारतीय निशानेबाज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर वन खिलाड़ी बन गई है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, इनमें से किसने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? फ्रेंड फुटबॉल का PFA अवार्ड दिया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वर्जिक मॉन्देक, सर्जियो आगेरो ने, बर्नार्ड सिल्वो ने, सादियो माने ने? तो किसने जीता है ये फ्रेंड? ये वर्जिल मॉन्देक ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉल का खिताब जीता है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? टिम ब्रायन, कैथी स्कॉट, एडियन लेवी या स्टुअर्ट नोकास, किम लोकट? कौन है फ्रेंड? इसका जो सही आंसर है वो बी फ्रेंड, द एक्साइल बुक्स बताती है हमें। इस पुस्तक में खुलासा किया गया है कि जैश मोहम्मद मुख्य मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा हफीज सईद ने ओसामा बिन लादेन को बचाने में मदद की थी। तो इस द एक्साइल बुक इन्हीं के ऊपर लिखी गई है, तो इसमें लादेन के ऊपर टिप्पणी की गई थी, कैथी स्कॉट और एड्रियन लेवी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा बुक स्टोर कहाँ स्थित है? बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, तेहरान? तो विश्व का जो सबसे बड़ा बुक स्टोर है वो डी, तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है। और बात करें यह सबसे बड़ा तेहरान के अफसाबाद हिल्स में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बुक स्टोर। ठीक है, यह 7 लाख वर्ग फीट में बना विश्व का सबसे बुक स्टोर है फ्रेंड। इससे पहले जो सबसे बड़ा बुक स्टोर था वो सी ऑप्शन न्यूयॉर्क था, लेकिन अब तेहरान में हो गया, अब सबाद हिल्स में। ठीक है, कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। वन लाइनर, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। बारहवा देख लेते हैं, विकिलेंस के संस्थापक जूलियन असांज को ब्रिटिश अदालत ने 50 सप्ताह या 50 वीक्स कैद की सजा सुनाई, उन्हें यह सजा जमानत का पालन न करने के लिए दी गई है। तेरहवा देख लेते हैं, इसराइल ने 1971 युद्ध बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जो अब रिटायर हो चुके हैं जैक फर्ज राफेल जैकब को इसराइल की एम्यूनिशन हिल्स में वॉल ऑफ ऑनर में प्लाक के साथ सम्मानित किया गया। चौदहवा देख लेते हैं, हाल ही में पूनम कन्नन का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े थे? वे फुटबॉल से जुड़े हुए थे। पंद्रहवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द रूल ब्रेकर नामक उपन्यास को किस भारतीय लेखक ने लिखा है? वो लिखा है प्रीति शेनॉय ने। ये फ्रेंड सितंबर में लॉन्च होगी। तो फ्रेंड ये तो कुछ 2 मई करंट अफेयर के, आपको कैसी लगी वीडियो? और फ्रेंड अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।